नमस्कार, मैं समीर कुमार मिश्रा, आप सभी का हमारे विश्वेश्वरी ITI के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का यह वीडियो इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट 3 वीडियो है। इस वीडियो से पहले भी पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारे इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं। आज का वीडियो तो आप देख ही रहे हैं, साथ ही उन दोनों वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। उन दोनों वीडियो का लिंक आज के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से भी उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में चौथा नंबर क्वेश्चन बताया जाएगा, तो चलिए शुरू करते हैं। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, ड्रॉ इसमें क्या पूछा जा रहा है। ड्रॉ 3 व्यू इन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ऑफ फ्रंट व्यू, साइड एंड टॉप व्यू ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। ये सामने जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, या इसे आइसोमेट्रिक भी कहते हैं, इस आइसोमेट्रिक व्यू का फ्रंट व्यू, साइड, टॉप व्यू बनाकर दिखाना है। अगर इसको कहा जा सकता है कि इसका ऑर्थोग्राफिक बना के हमें दिखाना है। ऑर्थोग्राफिक में फ्रंट, साइड, टॉप सभी व्यू बन जाते हैं, तो चलिए इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाते हैं। देखिए, आपको समझने में आसानी हो इसलिए इस व्यू को यहाँ बनाकर दिखाया गया है। इसी आइसोमेट्रिक व्यू का ऑर्थोग्राफिक व्यू यहाँ भी बनाया जाएगा। ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाने के लिए सबसे पहले ये बॉक्स तैयार करना होता है, तो इस बॉक्स को तैयार कैसे किया गया है वो पहले सीखते हैं। देखिए, इस आइसोमेट्रिक व्यू में तीन चीज़ें होती हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ये तीन चीज़ें निकालनी होती हैं, लेंथ, ब्रेथ, हाइट। ये कहाँ से निकलता है, ये फ्रंट का जो फ्रंट जिस तरफ से दिया हुआ होता है, फ्रंट का जो लंबाई होता है उसे लेंथ ले लिया जाता है, ब्रेथ में जो चौड़ाई होता है यहाँ 50 है उसे ब्रेथ में ले लिया जाता है, और व्यू जो आइसोमेट्रिक व्यू उसकी ऊँचाई, वो कितना ऊँचा है उसको हाइट में ले लिया जाता है। तो ये हाइट लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा आपको, इस हाइट को निकालना होता है जोड़ के सभी मेजरमेंट्स को। किसको, ये देखिए यहाँ 45 और ये 45 mm, उसके बाद यहाँ से आ जाएंगे ये 12 mm, 24 mm और 12 mm, इन सबको अगर जोड़ दिया जाए इस 45 को और इनको, तो आता है 93 mm हाइट। ठीक है, अब देखिए इसको यहाँ कैसे अप्लाई करते हैं और ये बॉक्स बनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में हमें ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना है। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में क्या होता है, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में जो चेक व्यू होता है इस बॉक्स में, ऑर्थोग्राफिक व्यू के बॉक्स में चेक व्यू हमेशा नीचे बनेगा, चेक व्यू के ऊपर हमेशा साइड बनाया जाता है, साइड के बगल में यहाँ हमेशा फ्रंट बनेगा, और फ्रंट के नीचे यहाँ हमेशा प्लान बनेगा। प्लान कर लीजिए या टॉप कर लीजिए, सेम दोनों एक ही चीज़ होती है। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो ली गई है, उससे पहले देखिए ये जो वर्टिकल प्लेन और हॉरिजेंटल प्लेन इसे कहा जाता है, इनके अगल बगल 10-10 mm पर और एक एक वर्टिकल प्लेन, और इसके ऊपर नीचे 10-10 mm की दूरी पर हॉरिजेंटल प्लेन ड्रॉ करना होता है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 90 mm लिया गया है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 50 mm लिया गया है, यहाँ से ऊपर दूरी को 93 mm लिया गया है, इधर भी यहाँ से ऊपर दूरी को 93 mm लिया गया है, यहाँ से नीचे 50 mm लिया गया है, यहाँ से भी नीचे 50 mm लिया गया है, और यहाँ भी जैसे कि ऊपर 90 है 90, और यहाँ 50 है तो यहाँ भी इधर 50। इन सभी मेजरमेंट्स को इस तरह लेकर हमें ये सबसे पहले ये बॉक्स बना लेना होता है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद देखते हैं जो जो व्यू हमें फ्रंट से दिखेंगे उन्हें फ्रंट पर बनाना है। कहने का मतलब क्या होगा, अगर फ्रंट पे खड़े होकर इस आइसोमेट्रिक व्यू का जो जो सरफेस या जो जो हिस्सा, सतह हमें फ्रंट व्यू में दिख रहा है, जैसे कि देखिए फ्रंट पर खड़े होकर देखते हैं तो ये सतह जो है ये हमें फ्रंट से दिखेगा, ये फ्रंट से दिखेगा, ये फ्रंट से दिखेगा, और ये भी फ्रंट से दिखेगा। मतलब ये 1, 2, 3, 4, ये चार सतह हैं, चार सरफेस हमारा फ्रंट पर बनेगा। ठीक है, तो इसे एक एक करके फ्रंट पर बनाते हैं, देखते जाइए आप। देखिए, सबसे पहले इसे बनाते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 50 mm है, तो ये नीचे यहाँ पर बनेगा, तो यहाँ 50 mm लेना होता है, तो यहाँ ना लेके हम नीचे लेते हैं 50 mm। देखिए, यहाँ से यहाँ ले लिया 50 mm, यहाँ से यहाँ 50 mm। ठीक है, और यहाँ से ऊपर भी एक पॉइंट मार्क करेंगे 50 mm पर, यहाँ से ऊपर पॉइंट मार्क कर दिया 50 mm। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल लाइट लाइन, थीन लाइन, ज़्यादा डार्क नहीं करना है लाइन को, ये लाइन यहाँ से यहाँ बना दिया। ठीक है, ये अब देखिए यहाँ से यहाँ ऊपर ये कितना है, ये 45 mm, तो यहाँ से ऊपर भी 45 और यहाँ से ऊपर जाएंगे 45 और एक एक पॉइंट मार्क करेंगे, यहाँ से ऊपर चला गया ये 45 mm, यहाँ से भी ऊपर चला जाएगा ये 45 mm, और यहाँ पर भी
लाइट लैंप बनाएंगे। देखते हैं ये है, यहाँ से यहाँ 45 ये लाइन बना दें, ये लाइन बन रहा दिया 45 mm। अब देखिए ये हिस्सा हमारा बन गया है, ये हिस्सा है, बस इसे डार्क कर देंगे तो ये दिखने लगेगा। तो अभी एक एक करके बना लेते हैं सभी सरफेस को, सभी हिस्से को, उसके बाद डार्क करेंगे, ठीक है। ये बन गया, अब इसे बनाते हैं। ये देखिए 45 के बाद ये यहाँ से यहाँ कितना है, ये 12 mm है, 12। यहाँ से ऊपर चले जाएंगे 12 mm, 45 के बाद यहाँ से ऊपर चले गए ये 12 mm, यहाँ से ऊपर चले जाते हैं ये 12, यहाँ भी 12 mm, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए फिर एक लाइट लाइन बना देंगे यहाँ, बिल्कुल थीन लाइन, पतली रेखा, ये हो गया। देखिए ये जो पूरा सरफेस है, ये पूरा ये सतह हमारा ये बन गया, ठीक है। अब देखिए इसके ऊपर ये हिस्सा है, ये हमारा पूरा दिखेगा, ये जो हिस्सा थोड़ा निकला हुआ है जिस कारण ये ढक गया है, लेकिन फ्रंट से जब खड़े होकर देखेंगे तो ये पूरा नीचे का हिस्सा हमें दिखेगा, तो उसको बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ इसका मेजरमेंट दिया हुआ है नहीं, तो ये देखिए यहाँ से यहाँ ये 12 दिया हुआ है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 22 दिया हुआ है, तो 22 में जब 12 माइनस कर देंगे तो यहाँ हमारा 10 mm आ जाएगा, मतलब ये 10 है, 12 के बाद ये कितना है 10 mm है। तो यहाँ से यहाँ 12 दिया था, अब यहाँ से ऊपर 10, यहाँ से ऊपर 10 पर पॉइंट मार्क कर दिया और यहाँ से भी ऊपर 10 पर ये पॉइंट मार्क कर दिया, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स को भी मिलाते हुए एक लाइट लाइन ड्रॉ कर देंगे, बिल्कुल ये बना दिया, ठीक है। ये लाइन भी हमारी बन गई। अब देखिए, अब इसके ऊपर ये एक इंक्लाइन लाइन है, तिरछी रेखा, ये ना ये इस पॉइंट पर मिलती है। इन दोनों को जब ऑर्थोग्राफिक व्यू में बनाते हैं तो ये दोनों व्यू लाइन एक साथ दिखती हैं, ठीक है। ये यहाँ पॉइंट पर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, देखिए यहाँ से यहाँ 40, फिर यहाँ से यहाँ 10, 50, तो यहाँ से 50 mm पर एक पॉइंट मार्क करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ से 50 mm पर एक पॉइंट मार्क किया और नीचे भी यहाँ से 50 mm पर एक पॉइंट मार्क किया और इन दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक वर्टिकल बिल्कुल थीन लाइन बना देंगे, ये लाइन बना दी, ठीक। अब इसको और इसको मिलाते हुए देखिए, जैसे कि ये हो गया, ये 10 mm वाले पॉइंट 10 mm पर और ये 50 वाले पॉइंट ये 50 पर, यहाँ इन दोनों को आपस में मिलाते हुए यहाँ एक इंक्लाइंड लाइन बना देते हैं, ये हमारा, इससे डार्क कर दे सकते हैं, ये इंक्लाइंड लाइन ये बन गया, ठीक है। अब देखिए, अब क्या है, ये हिस्सा हमारा यहाँ बनेगा, उससे पहले यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ 24 आपका ये जो है 12 mm, उसके बाद 10 mm, ये 10 mm, तो ये 10 mm छोड़ देते हैं। अगर ये 12 mm को सिर्फ लेते हैं, यहाँ से यहाँ 12 mm, 12 के बाद 24 छोड़ना है, फिर ऊपर 12 छूट जाएगा, तो आसान रहेगा कि ऊपर से नीचे ही 12 हम ले लेते हैं, यहाँ से नीचे 12 mm, तो क्या होगा, ये हिस्सा हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ यहाँ से नीचे ये 12 mm पर और यहाँ से भी नीचे ये 12 mm पर एक एक पॉइंट मार्क कर दिए। एक बार फिर देखते हैं, ये 12 सही आया, हाँ ये 12 सही है, ठीक है। अब इसको इन दोनों पॉइंट को मिलाते हैं, यहाँ पर भी एक लाइट लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये ठीक है। ये हमारा सभी सतह जो भी फ्रंट पर दिख रहा है वो बन चुका है, बस इसे डार्क करना है। देखिए डार्क कर देते हैं तो आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। देखिए एक एक करके लाइंस को डार्क करते जाते करते हैं, ये इसे, फिर ये नीचे आ जाते हैं, फिर ये इसे, फिर यहाँ ये लाइन, ठीक है, फिर ये नीचे ये वाली लाइन और यहाँ नीचे 50 वाली लाइन जो है ये 50 वाली लाइन, ठीक, और यहाँ से ये सभी लाइन
इसे डार्क कर देना है और यहाँ से नीचे और यहाँ से ये ऊपर तक, ये हमारा बन गया फ्रंट व्यू। देखिए फ्रंट व्यू एक हिस्सा ये दिख रहा है जो यहाँ है, एक ये हिस्सा दिख रहा है जो यहाँ है, एक ये हिस्सा दिख रहा है जो यहाँ है और एक ये हिस्सा दिख रहा है जो यहाँ। ठीक है, अब आते हैं प्लान पर। प्लान पर देखिए, प्लान पर क्या है, प्लान पर एक ये हिस्सा दिखेगा और प्लान पर एक ये हिस्सा दिखेगा, ये साइड से भी दिखेगा और प्लान से भी दिखेगा। देखिए तो इस हिस्से को पहले बनाते हैं फिर ये बनेगा, पहले इसे बनाते हैं। देखिए तो ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ कितना है, ये 32 mm, मतलब यहाँ से ऊपर हमें 32 mm तक है, तो यहाँ से नहीं जाकर यहाँ से ऊपर 32 और यहाँ से ऊपर 32 पर एक एक पॉइंट मार्क करते हैं। यहाँ से ऊपर चले जाते हैं 20, 30, 32 ये, और इधर से भी 32 mm। ठीक, और इन्हें मिलाते हुए आपस में एक लाइन, लाइन यहीं तक ड्रॉ करेंगे, इस इंक्लाइन लाइन तक, चेक व्यू वाली लाइन तक। ठीक है, लाइन को आगे तक नहीं बढ़ाएंगे, ये यहाँ तक। अब ये लाइन ऊपर चले जाएंगी 90 डिग्री पर, बाद में जब साइड बनाएंगे तब ये लाइन ऊपर 90 डिग्री पर जाएगी। ठीक है, इसको यहाँ से यहीं तक लगाते हैं। ठीक, अब देखिए ये 32 हो गया, अब इस हिस्से को बनाते हैं। ये हिस्सा यहाँ बन चुका है, बस इसको डार्क करके आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ से ये हो गया हमारा 32 mm ये, और ये जाएगा ऊपर 18 mm, 18, और इसको यहाँ से यहाँ ये, और ये हिस्सा हमारा इस तरह से, ये डार्क हो जाएगा लाइन, ये भी लाइन डार्क होगी, और ये भी लाइन इस तरह से डार्क होगी। ठीक है, देखिए ये हिस्सा हमारा बन चुका है, ये है। अब ये हिस्सा ये बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए इसको बनाने के लिए क्या करना है, यहाँ सिर्फ हमें ये 28 mm दिया गया है, जो कि यहाँ से नीचे आ जाएंगे 28 mm। ठीक है, देखिए ये 28 mm है, यहाँ से नीचे पॉइंट मार्क करते हैं 28 mm, 20, 25, 28, और यहाँ से भी नीचे 20, 25, 28। ठीक है, इन 28 वाली पॉइंट पर एक लाइन बना देते हैं, ये लाइन बन गई। अब देखिए ये 28 तो आ गया, ये यहाँ बनेगी और ये कटा का इस हिस्से पर, इस लाइन का कोई मेजरमेंट है नहीं, इस लाइन का कोई मेजरमेंट है नहीं, लेकिन इस पॉइंट पर कटा है, तो ये जो नीचे आया हमारा ये पॉइंट, ये यहाँ ये जो पॉइंट है, इससे लाइन नीचे ले आएंगे एक 90 डिग्री पर, और वही हमारा इसकी दूरी को दिखाएगा। देखिए इस तरह से 90 डिग्री पर बिल्कुल सीधे इस तरह से यहाँ से नीचे आ जाएंगे एक लाइट लाइन एकदम, ये हिस्सा हमारा क्या होगा। अब देखिए अब इसे डार्क करते हैं एक एक करके, ये लाइन ये हो गई। ठीक है, अब यहाँ से नीचे 28 mm, तो ये 28, इसको पूरा नीचे तक ले आते हैं, नीचे तक जाएगी ये। ठीक है, अब ये ऊपर जाते हैं, ये कहाँ तक, यहाँ तक। ठीक है, अब ये लाइन ये नीचे आई है, और ये लाइन हमारी यहाँ तक। ठीक है, ये हिस्सा ये बन गया, ये हिस्सा ये बन गया। ठीक है, और ये छोटा सा जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये हिस्सा है, यहाँ भी पी लिखा हुआ है ना, ये हिस्सा थोड़ा सा यहाँ ऊपर प्लान पर भी दिखता है, जो कि यहाँ है, और इसे भी डार्क कर देंगे। ठीक है, ये हमारा प्लान हो गया। अब आते हैं साइड, साइड के लिए देखिए, साइड पे जो ये है यहाँ से यहाँ, ये 18 mm है, तो देखिए ये भी हमारा ये 18 mm है, यहाँ 18 mm लेना है, तो इस लाइन को 90 डिग्री पर ऊपर ले जाएंगे, तो ये हमारा वर्क कर जाएगी, ये लाइन 90 डिग्री पर ये सीधे
बिल्कुल सीधे इसको ऊपर ले जाते हैं 90 डिग्री पर इस तरह, ठीक है। यहाँ से यहाँ ये 18 mm हो गया ये हमारा। अब देखिए ये यहाँ से यहाँ 18 के बाद इधर जाएंगे, ये लाइन है। पहले इस व्यू को बनाते हैं, साइड से ये दिखेगा फिर ये दिखेगा, तो पहले इसे बनाते हैं फिर उस पर वाले को बनाएंगे। पहले इस हिस्से को बनाते हैं, तो ये देखिए यहाँ से ये 45 फिर 22 यहाँ तक डार्क है ना। तो देखिए यहाँ से यहाँ 45 लिया था, फिर यहाँ से 12, फिर यहाँ से 10, मतलब ये 22 हो गया। तो यहाँ तक ये इस हिस्से तक यहाँ तक ये लाइन डार्क हो जाएगी। पहले इसे डार्क करते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, ये लाइन हो गई, ठीक है। अब इधर ये लाइन लेना है, ये कितना है 28, तो यहाँ से 28 लेना है। तो आपको ध्यान होगा यहाँ से नीचे 28 आया था, तो यहाँ से यहाँ भी ये 28 पर ही है पॉइंट। तो इसको क्या करेंगे, इस लाइन से भी हम ऊपर चले जाएंगे 90 डिग्री पर, ये यहाँ से ऊपर चले गए 28, ठीक है। यहाँ से इधर आ जाते हैं 28, ठीक है, ये 28। अब ये 10 फिर 22 12 फिर इसे मिला देते हैं, फिर यहाँ से नीचे 10 mm, फिर यहाँ से यहाँ ये 22 ही होगा, फिर यहाँ से 12, फिर इसे यहाँ से यहाँ मिला देना है 18 mm तक, और ये नीचे 90 डिग्री और ये इस तरह से। देखिए ये हिस्सा हमारा बन चुका है यहाँ पर। अब ये जगह ये बनेगा ऊपर, इसके लिए देखिए सबसे पहले ये लाइन है, ये लाइन जहाँ तक ये दिख रही है ये यहीं तक होगी ये लाइन, ठीक है। उसके बाद ये 50, ये पूरा 50 डार्क हो जाएगा, ये 50 वाली लाइन। फिर यहाँ से नीचे आएंगे ये 12, जो ये हिस्सा है ये जितना रहेगा ये उतना ही साइड से हमें दिखेगा, तो ये 12 वाला हिस्सा हो जाएगा, ठीक है। फिर ये आगे आ जाएगा यहाँ तक जहाँ तक ये कटता है ये, और इसे नीचे मिला देंगे, देखिए ये है, एक मिनट ये इतना नीचे नहीं आएगा, ये यहीं तक रहेगा, ये हमारा बन गया साइड में। साइड में देखिए एक ये हिस्सा दिख रहा है, ये हिस्सा दिख रहा है, फिर साइड में ये हिस्सा दिख रहा है, फिर ये साइड में ये हिस्सा दिख रहा है, ठीक है ना। अब देखिए कुछ डॉटेड लाइंस हैं जो फ्रंट पर ही है, साइड पर भी है और प्लान पर भी है, उन्हें गौर करते हैं उस डॉटेड लाइंस पर। देखिए यहाँ से यहाँ ये हिस्सा, यहाँ खाली जगह है, यहाँ कोई मेटल है नहीं, काट के हटाया गया। तो ये लाइन ये पॉइंट है ना, ये नीचे गई है 90 डिग्री पर, ये लाइन नीचे। तो इस लाइन को 90 डिग्री पर हम साइड पर भी दिखाएंगे और फ्रंट पर भी दिखाएंगे एक लाइन डॉटेड। तो ये लाइन ये सीधे नीचे गई है, तो ये कहाँ से कहाँ तक, ये 40 mm तक है, है ना, ये 40 ये है ना, ये लाइन यहाँ से यहाँ डॉटेड हो जाती है। देखिए ये लाइन यहाँ डॉटेड कर देते हैं, बाकी नीचे भी डॉटेड जाती है, लेकिन ये लाइन इसको ढक देती है जिस कारण ओवरलैप कर गई लाइन, उसको दिखाना है नहीं। और इसी लाइन को फिर इधर से 18 mm पर साइड पर, यहाँ से यहाँ 18 mm पर, तो यहाँ से ये 18 mm पर ये लाइन है, तो इसे हम यहाँ दिखा देंगे डॉटेड पर, ये ठीक है। अब बस उसी तरह से प्लान पर भी, या टॉप जो कह ले आप, यहाँ भी दो लाइन डॉटेड पर दिखेंगी। देखिए ये जो लाइन है ये एक लाइन नीचे छिपी हुई है, यहाँ पर एक लाइन होती है, ठीक है। तो ये लाइन, ये कौन सी लाइन है, ये आपकी 18 mm वाली ये लाइन है, यहाँ से ये डॉटेड हो जाएगी। और एक लाइन कौन सी है, ये 22 वाली लाइन, ये यहाँ तक जाके यहाँ डॉटेड हो जाती है, ठीक है, इधर से इधर
डॉटेड पर दिखती है, तो यहाँ से ये डॉटेड हो जाएगी दो लाइन, देखिए। ये और ये लाइन, ये एक लाइन नीचे, ये डॉटेड है, ठीक है। उसी तरह ये लाइन, ये जहाँ तक दिखती है वहाँ तक डार्क रहेगा, उसके बाद जहाँ से ये ढकी हुई है इस हिस्से से, वो वहाँ से डॉटेड हो जाती है, इसको डॉटेड में दिखाते हैं, ठीक है। इस तरह से हमारा ये इस आइसोमेट्रिक व्यू का ऑर्थोग्राफिक व्यू यहाँ बन गया है, फ्रंट साइड प्लान। अब क्या करना है, इसके पर अच्छे से जो जो डायमेंशन लिखे हुए हैं यहाँ, उन डायमेंशन को अच्छे से लिख देना है। ऊपर सैम्पल बना देंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, और कहीं ऊपर ऊपर अगर जगह हो तो ऊपर बनाइए, नहीं तो सैम्पल नीचे भी आप बना सकते हैं। ऊपर लिख देना है ऑल डायमेंशन आर इन mm, और यहाँ नीचे सैम्पल बना देते हैं। तो चलिए वीडियो को कुछ देर पॉज करके ये मैं यहाँ सारे डायमेंशन लिख देता हूँ। ये देखिए, सारे डायमेंशन लिखने के बाद ये व्यू हमारा कुछ इस तरह दिखने लगता है, है ना, इस तरह दिखने लगेगा। ऊपर फ्रंट साइड, नीचे ये टॉप व्यू यहाँ लिख देना है, ये सैम्पल बना देना है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन का, और ऊपर कहीं लिख दीजिएगा ऑल डायमेंशन आर इन mm, यहाँ जगह नहीं बचा इसलिए लिखा नहीं है, आप ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से इस आइसोमेट्रिक व्यू का ऑर्थोग्राफिक व्यू हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा पूरा हो गया, आज यह क्वेश्चन हमारा यहाँ पूरा हो गया। इसके अलावा भी मैं अपने संस्थान के सभी छात्रों को कहना चाहूँगा, अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग का कोई भी ऐसा टॉपिक है जिसको समझने में आपको दिक्कत होता हो, या फिर ऐसा कोई टॉपिक है जिसको ऑनलाइन क्लासेस में बताया गया था लेकिन आप किसी कारणवश क्लास अटेंड नहीं कर पाए और आपका छूट गया हो, तो आप ऐसे टॉपिक का कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताइए। जिस भी टॉपिक का सबसे ज़्यादा कमेंट होगा उसका एक डिटेल वीडियो बनाकर आपको देने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा भी आपका एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है, एग्ज़ाम जब भी हो आप अपने तरफ से 100% तैयार रहिए, ताकि सरकार जब भी एग्ज़ाम ले आप अपनी तरफ से 100% तैयार हैं एग्ज़ाम देने के लिए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा, साथ ही हमारे इस विश्वेश्वरी ITI चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।